स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुता प्रसृमातरः शुभं जावारो विदथे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवासुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णीभिः शृणयाम देवा भद्रं पशेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुंशस्तनो विवसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा यद्रानशक्र जरसंतनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गणच मदतिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदति पञ्च जनाः अदतिर्जातम् अदतिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिरविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो यभयं नः पशुस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय मुकेश भाई जी नागेश तिवारी जी अरविंद पांडे जी ये सब कथा के आयोजक हैं पूज्य महाराज श्री का माल्य अर्पण कर उनका स्वागत करें शशि रूप भाग लक्ष्मी विजय लक्ष्मी रेजिडेंसी भेस्तान सूरत से में दिव्य भगवान की मंगलमय कथा का शुभारंभ आज तृतीय दिवस एक बार जोरदार ताली लगाएंगे सब लोग भगवान की इस मंगलमय कथा में समस्त श्रोता भक्तजनों से निवेदन है जो भी भक्तजन अपने जिन भी गृह कार्य में लगे हों उन अपने गृह कार्यों को यथाउचित स्थगित करके अति शीघ्र कथा पांडाल में आवे और अवध धाम से आए अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य श्री डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी रसमयी संगीतमयी वाणी के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे अपने मानव जीवन को कृत कृत करें क्योंकि ये मानव का जीवन है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है हम आप मानव हैं अपने धर्म को निभाते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम सब लोग भगवान की भक्ति में सरोगम होंगे और भगवान की परम मंगलमय कथा आज तृतीय दिवस पूज्य महाराज श्री भगवान कपिल का जन्म होना है आज भगवान कपिल का जन्म होगा बड़े धूमधाम के साथ भगवान कपिल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा ये श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलमयी कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं जिसका आज तृतीय दिवस है जय पारस टीवी चैनल से जुड़े भक्तों को जय श्री राधे जो हमसे जुड़े हैं हम आप हमसे जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ कमा करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें
संगीतकार बंधुजन हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली लगाएंगे हमारे संगीतकार बंधु के लिए और चैनल वाले के लिए भी। ये जय पारस टीवी चैनल के माध्यम से भगवान की मंगलमय कथा रस प्रवाह चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। पूज्य महाराज श्री पहले दिन ही बताए कि जीव के जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तो भगवान की जब अनुपम कृपा जीव पर बनती है, तो भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति और कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इस संसार में दो चीज बड़े दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, संतों का समागम और भगवान हरि की कथा। इसलिए सारे काम को छोड़ करके जहाँ का राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, रामम बिना का गति। ये काम करते करते न जाने कितने पूर्वज जैसे आराम हो गए, ये काम खत्म नहीं हुआ। इसलिए सारे कार्य को स्थगित करके अतिशीघ्र पांडाल में आवे, पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने। हम आप अब बढ़िया से आरती ठाकुर जी की उतारेंगे। आराध्यम चंद्रमा मन सुजाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत श्रियाकांताय देवाय कल्याणाय निधेऽर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार परिवार
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम् आत्माभिवादवंदनम् हरि ओम जगनेन जगमयजंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सचंत्रिजत पूर्वे साध्या संत देवाः सेवन्ते काव्यकुल चंपक पाज्जलाब्जे पुन्नाव गजांधकर बील रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दल भंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगंधवल्ली सतपत्र जाते सुवर्ण चंपा वकुलोद्भवानी गृहाल देवी समयार्पितानी प्रभु हरे श्री पुष्पांजलानी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की व्यास भगवान की ज्वाला मैया की वैष्णो मैया की विंध्याचल देवी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोगों को आरती मिलेगी, आरती ले लेना। जो भगवत भक्त अभी नहीं आ सके वो सब अपने गृह कार्य को अतिशीघ्र निवृत्त करके आ जाएं। कथा का टाइम प्रारंभ हो गया है। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से भगवान की मंगलमयी कथा को रसपान करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें, अपने इस मानव जीवन को कृतकृत करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्नमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री वेद
पुरुषाय नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धै वागीशाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम् वन्दे त्वदीयसुरप्रार्थितपादपदमं हंसाधिरूढकरलोचनकालकञ्जा शुभ्राम्बरा सकलशास्त्रविचारदच्छा काङ्क्षै कृपा तव सदा भवतु खरत्रीं देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि धेयं सदा परिभवगनमवीष्टदूहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रै नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः जानकी जीवनं वन्दे मान्वी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तनमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरै रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं
सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः बोलिए उद्यानाथ भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुणाली भगवान नंद नंदन बृजी नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य परिपूर्ण गोपीकांत दामोदर भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की परम पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का आनंद लेने आए समस्त सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए नमन वंदन करते हुए और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पवित्र आयोजन कराने वाले समस्त आयोजक बंधुओं को सहयोगियों को उनके हृदय में भगवान से भगवत भक्ति की अमल विमल कामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। ये दास आपसे नित्य निवेदन करता है जीव को ये कथा श्रवण करने के लिए कब मिलती है तो जवाब आता है भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं चलवति पुरुषौ यदा वै मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर के किए गए पुण्य कर्म संचित होते हैं तब उस जीव को यह शास्त्र श्रवण करने का मौका मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आइए अपने भाग्य की सराहना करते हुए सब लोग स्वर में स्वर मिलाकर तालियां लगाते हुए थोड़ी देर भगवान नाम जप करें ताकि भगवान कृपा करें आपको श्रवण करने की ताकत दे और दास को कुछ वक्तव्य देने की शक्ति भगवान प्राप्त करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
जाते भगवान की मंगल कथा का आनंद ले रहे सुधीय श्रोताओं, कल आपके समक्ष निवेदन किया जा रहा था परात्पर ब्रह्म वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया। इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं सौनक आदि महात्माओं को नैमिषारण्य में। एक तरफ श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को इस भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं और एक तरफ आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को गंगा की किनारी कथा का रसपान करा रहे। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? मैत्रेय जी ने सारी कथा श्री विदुर जी को बता दी। उसने वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया। और एक बात ध्यान रखना आप,
ये हमारे जो भारतीय संस्कृति में धर्म ग्रंथ हैं, ये भारतीय संस्कृति सनातन के संविधान है। जो इनका उल्लंघन करता है उसे कष्ट जरूर होता है। इस संसार में प्रायः लोग कहते हैं, महाराज मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, इतना काम करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये संसार वाले सवाल करते हैं, उसका जवाब सुन लेना। भक्ति जब भी करना, मनमानी भक्ति का आचरण मत करो। वो भक्ति या तो संत सम्मत हो, या तो फिर शास्त्र सम्मत हो, और या तो फिर गुरु सम्मत हो। इस संसार में गुरुओं की जरूरत क्यों पड़ती है? एक अच्छा रास्ता बता दे, भगवत प्राप्ति का सोपान खोल दे आपके लिए। विदुर जी, परमात्मा का भजन और पूजन विधि विधान से और संत शास्त्र सम्मत ही करना चाहिए। परमात्मा किसी के चित्र में, किसी चित्र में ईश्वर नहीं बसता है। ध्यान देना शब्दों पर, परमात्मा चित्र में नहीं व्याप्त है, परमात्मा चरित्र में व्याप्त है। इस संसार में भगवान की पूजा से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। और कल आपसे निवेदन किया जा रहा था कि सत्य संसार में केवल ईश्वर है। इस संसार में जो सत्य का मार्ग अपना ले, मान लो भगवत प्राप्ति उस जीव को हो चुकी है। आइए, भगवान जब हिरण्याक्ष का संहार कर देते हैं, उसके बाद नारायण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का सृजन किया। और फिर इसमें खगोल, भूगोल, नदी, वन, पर्वत, पहाड़ सब कुछ बनाया। ग्रह नक्षत्र सबका निर्माण ब्रह्मा जी ने नारायण के आदेश पर किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सनकादिक महात्माओं को उत्पन्न किया, जो भगवान के ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने हाथ खड़ा करके कह दिया, महाराज मैं गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं स्वतंत्र होकर के भगवत भक्ति करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए, जिनका नाम भागवत में आता है कर्दम। कर्दम ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जाओ धरती पर और सृष्टि का विस्तार करो, आगे उसे बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ। महात्मा कर्दम ने कहा, नहीं, मैं भी संत होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पितृ आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो। तो डर गए कर्दम जी और हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे कुछ दिन भजन कर लेने दीजिए, बाद में मैं विवाह कर लूंगा महाराज। महात्मा कर्दम भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए चले आए। ध्यान देना, पहले तपस्या फिर गृहस्थी। इस संसार में रहना पाप नहीं है, लेकिन संसार को मन में रखना यह सबसे बड़ा पाप है। नाव में भैया, अगर नाव से यात्रा करनी है और नदी में अगर पानी नहीं होगा तो नाव चल नहीं सकती है। लेकिन नाव में अगर कहीं छिद्र हो और वो नदी का पानी नाव में चला जाए, तो वो नाव फिर उसी पानी में डूब भी जाएगी। बेटा, बेटी, पत्नी, पुत्र, परिवार, इनमें इतना ना आसक्त हो जाओ कि तुम्हारा इनके बिना न चले। ये तुम्हारे बिना रह लेंगे, मैं सत्य कहता हूं। तुम इनके पीछे इतना न मर जाओ
कि तुम भगवान को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दो, भूल जाओ। महात्मा करदम ने कहा ठीक है। करदम जी आए वन में और तपस्या करने लगे। फिर सोचे कि लाओ तपस्या कर ले, भगवान जब प्रकट होंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मेरा विवाह करा देंगे। महात्मा करदम की तपस्या सफल हुई, भगवान दर का मंगलमय दर्शन हुआ महात्मा करदम जी को। और जब भगवान मंगलमय दर्शन देकर चले गए तो करदम बाद में रोने लगे, कहा मेरा नाम करदम है। करदम, करदम माने संस्कृत में होता है कीचड़। कहा मेरा जैसा नाम है वैसा मेरा काम है। इस संसार में बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र भजन करते हैं भगवान भगवत प्राप्ति के लिए, और मैंने भगवान से भजन किया भगवान की विवाह करने के लिए। मुझे नहीं करना है विवाह। फिर से तपस्या करने लगी। फिर भगवान आए तो महात्मा करदम ने कहा विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, पिताजी का आदेश है और मैं भी चाहता हूं कि विवाह कर लूं। कहा विवाह कर तो लूंगा महाराज, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप मेरे बेटे बन करके आए तो मैं विवाह कर लूं। भगवान ने करदम से कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। इस शर्त पर महात्मा करदम तैयार हो गए और स्वयंभू मनु अपनी और शत्रुपा उनके तीन बेटियां हैं, मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी से, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये इस सृष्टि के सबसे पहले पुरुष स्वयंभू महाराज और महारानी शत्रुपा संसार की सबसे पहली स्त्री। इनके तीन बेटियां और दो पुत्र पैदा हुए, आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और देवहूति का महात्मा करदम के साथ, और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ। स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति महात्मा करदम के आश्रम पर छोड़ गए भगवान की कृपा से, और महारानी देवहूति ने करदम को पति के रूप में जब देखा तो अत्यंत प्रसन्नता से भर गई। महारानी देवहूति ने कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, संसार में पति तो सबके हैं, लेकिन मेरा पति कम से कम इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा मनस्वी, इतना बड़ा विद्वान, ये मेरी सौभाग्य रही कि मैं ऐसे तपोनिष्ठ पति को पाई। महाराज देवहूति जी महात्मा कपिल के आश्रम पर पड़ी है, महात्मा करदम के आश्रम पर पड़ी है, और कपिल भगवान यही आएंगे। देखिए जब गृहस्थी पवित्र होती है तो भगवान का वहां आगमन होता है। जिस घर का वातावरण पवित्र होता है, जहां भक्ति का माहौल हो, जहां पवित्रता हो, वहां की संतान भी अच्छी होती है, वहां का परिवार पुत्र भी अच्छा होता है। माताओं बहनों, इस राष्ट्र को, इस घर को आप चाहे तो स्वर्ग बना दें, और आप इसे चाहे तो नरक से बदतर भी इसकी स्थिति कर सकती है। प्रत्येक पुत्र को, परिवार को यह संस्कार दो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। जब मां बाप के संस्कार शुद्ध होते हैं तो संतान अमल विमल पैदा ही होती है। महात्मा करदम अपनी पत्नी देवहूति को देखा और उसके बाद फिर समाधिस्थ हो गए। जब कुछ दिन के बाद महात्मा करदम के नेत्र खुले और देवहूति जी वहीं बैठी है,
देवहूति जी वहीं बैठे। देवहूति जी ने कहा, जब देखा महात्मा करदम जगे तो जाकर प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, स्वयंभू की बेटी। देवहूति को देख करके महात्मा करदम प्रसन्न हो गए और कहा, देवी इतने दिन तक तो मैं समाधिस्थ था, तुम क्या खाई, कैसे रही? देवहूति ने कहा, महाराज मैं कभी जल पी लेती थी, कभी पत्ते खा लेती थी, कभी हवा पी लेती थी। महात्मा करदम भावुक हो गए और महात्मा करदम ने कहा, देवी मैं आपके इस आचरण से और आप पर मुझे गर्व है, प्रसन्नता है। देवहूति ने कहा, महाराज आप जैसे तपस्वी पति अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए तो आज मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या फलीभूत हो गई। महाराज मुझे चाहिए ही क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे इन बेटियों का आप विवाह कर दीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। महाराज ब्रह्मा जी के आदेशानुसार महात्मा करदम के 9 बेटियां किसके साथ किया? सबसे पहली बेटी का नाम है कला। कला का विवाह मरीच के साथ। दूसरी बेटी है अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि महात्मा के साथ। और तीसरी बेटी है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ। चौथी बेटी का नाम है हविरभू। हविरभू का विवाह पुलस्त के साथ। पांचवी बेटी है गति। गति का पुलह के साथ। और फिर बेटी का नाम है क्रिया। क्रिया का क्रतु के साथ। ख्याति का भृगु के साथ। अरुंधति का वशिष्ठ के साथ। और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ। ये 9 बेटियां महात्मा करदम की। और 9 का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया महात्मा करदम ने। और अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि अब तो मैं जा सकता हूं तपस्या करने के लिए। देवहूति ने कहा, महाराज आपने तो कहा था कि बेटा पैदा हो जाएगा तो जाऊंगा। वह 9 बेटियां तो अपने अपने घर चली गई। मैं क्या करूं, आप भी चले जाएंगे साधना करने तो मैं किसके भरोसे बैठ करके यहां अपना समय बिताऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? महाराज भगवान महात्मा कपिल ने करदम जी का स्मरण किया और भगवान करदम के वीर में भगवान का तेज, करदमो वीर मापन्ना, महारानी देवहूति के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए। और समय आने पर भगवान कपिल अपने माता के गर्भ से अवतरित होते हैं। बोलो कपिल भगवान की। ये भगवान के मंगलमय ज्ञान का अवतार है महाराज। ये भगवान के ज्ञान का अवतार है। भगवान कपिल के रूप में आ गए करदम महात्मा के घर पर और करदम ने भगवान से हाथ जोड़ा। ठाकुर अब आप आ गए हैं, कल्याण कीजिए। और मैं चला पूजन करने के लिए आपका, मैं चला पूजन करने के लिए, मैं चल रहा हूं। हे ठाकुर मैं यहां रुकूंगा नहीं, मेरे रुकने का कोई औचित्य नहीं है, मैं चल रहा हूं भजन करने के लिए। और महात्मा करदम चले आए जंगल में। आइए थोड़ा भगवत स्मरण करते हैं, उसके बाद चलते हैं पवित्र कथाओं की तरफ। बोले
वत्सल भगवान की। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहूं, जिस देश में
भगवान घर में बेटा बनकर के आए और महात्मा करदम जी चले गए तपस्या करने। महारानी देवहूती भगवान कपिल के साथ समय बिता रही है। एक दिन माता देवहूती ने क्या किया, छोटे से भगवान कपिल को बड़े ढंग से स्नान ध्यान कराया, अच्छा सा वस्त्र पहनाया और एक ऐसे व्यासासन लगा दिया, एक चौकी पर भगवान को बैठा दिया। भगवान ने कहा, मां ये आज उल्टी गंगा क्यों बह रही है, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मुझे स्नान ध्यान करा रही है। देवहूती की आंखें भर गई और कहा, मेरे लाल ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैंने बहुत विलंब कर दिया। श्रीमद् भागवत में तो नहीं लेकिन अन्य संत और शास्त्रों का मत है कि महारानी देवहूती ने अपने नौ बेटियों को अपने घर पर बुला लिया जो ऋषि की पत्नियां थी। भगवान कपिल एक छोटे से चौकी पर बैठे हैं, महारानी देवहूती वृद्धा है, उनकी मां है और नौ बहनें उनकी। अब देवहूती जी सवाल करती है और भगवान उसका जवाब देते हैं। बड़े गौर से सुनना, भागवत जी का यह पहला संवाद है। देवहूती ने गोविंद से कहा, भगवान कपिल से कहा, ठाकुर निर्वीणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभु। ए ठाकुर, तुम ये बताओ ये मेरी इंद्रियां मुझे बैठने क्यों नहीं देती है। जानते हो क्यों मिला है? गोस्वामी जी के शब्दों में देखना, श्रीमद् गोस्वामी जी ने मानस से लिखा, इस शरीर को प्राप्त करने का हेतु क्या है। पहले तो कहते हैं गोस्वामी जी, नर समान नहीं कौनी व देही, नर समान नहीं पवदेव देही, नर समान नहीं कौनी व देही, नर समान नहीं पवदेव देही, जीव चराचर याचत देहि, जीव चराचर याचत देहि, भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर गुर लभ
अगर इन इंद्रियों को बस में रखना है तो इसका एक बड़ा उपाय है संयम। और अगर संयम के बाद इंद्रियां न मुड़े तो इन सारे इंद्रियों को भगवान के तरफ मोड़ दो। माताओं बहनों, भगवत भक्तों, घर में जब आपका भोजन तैयार हो उसमें भगवान का भोग लगा दिया करो, उसको ठाकुर जी को अर्पण कर दिया करो, समर्पण कर दिया करो। उसके बाद पूरे परिवार वाले, घर वाले बैठ करके खाओ, देखना इंद्रियां अपने आप शांत होती है या नहीं। जैसे आग में घी डाला जाए तो आग कभी बुझ नहीं सकती है, उसी प्रकार से इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे अगर हम आप लगेंगे तो हमारी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। महारानी देवहूति ने कहा, माता भगवान से पूछते हैं कपिल से कि आपको प्राप्त करने का साधन क्या है, तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का साधन है सत्संग। भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? ये जीव करे परिश्रम और भगवान करे कृपा, तब जीव को भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस भागवत सुनने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, यज्ञ करने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, कथा सुनने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, दान धर्म भजन करने का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा। इस संसार में जितना कार्य होता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। मां, इंद्रियों को बस में करने का एक साधन संयम, और उसके बाद अच्छे लोगों का साथ। अगर आपके जीवन में संतों का साथ हो, विद्वानों का साथ हो, अच्छे सत्पुरुषों का साथ हो, तो अच्छे मार्ग पर आप चलेंगे, जरूर चलेंगे। उनके साथ का असर, संग का असर पड़ता है। काजल के कोठरी में कोई हाथ डाल दे और हाथ में काला न लगे। गलत लोगों के साथ, उनके संग में अगर जाओगे तो उसका धब्बा जरूर आप पर लगेगा। और अच्छे लोगों के साथ अगर बैठना उठना आपका है तो अच्छाई आप पे जरूर आ जाएगी। ये मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान कपिल कहते हैं, मां परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा सारे चिन्ह हैं। परमात्मा के चरण का चिंतन करो, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा के बाकी झांकी का चिंतन करो, जैसा संत मनीषियों ने कहा है। और भागवत तो भगवत चरणारविंद को चिंतन करने के लिए बार बार कहती है। धियम सदा परिभवगनमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं सरैर्यम्।